स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अलग तरीके से स्वतंत्रता दिवस की को धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन बिना भीड़ किए और बिना इकट्ठा हुए। इस बार का स्वतंत्रता दिवस चूंकि बीमारी से संक्रमण के बचाव को समर्पित है, इसलिए हमारी टीमें आप सभी के दरवाजे पे होंगी। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से लगातार हमारी रैपिड टेस्ट की टीमें अलग अलग जगहों पर कैंप लगाकर लोगों का टेस्ट कर रही हैं, और यही वजह है कि हमने बीमारी को बहुत तेज डिटेक्ट भी किया है। कोरोना के संक्रमण के केसेस ज़्यादा जरूर आ रहे हैं, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। केसेज इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि हमने टेस्ट करने की स्पीड बढ़ा दी है। असल चीज़ जिससे हमें बचना है वो ये है कि इस बीमारी से किसी की मौत न होने पावे, और इसके लिए ज़रूरी होगा कि सभी आगे बढ़कर टेस्ट कराएं। समय से अगर हम इस बीमारी का पता लगा लेते हैं और सारे एहतियात बरतते हैं तो निश्चित रूप से हम मौतों को रोक पाएंगे। इसमें कुछ पहलू बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि आप ज़रूरत से ज़्यादा इससे डरें नहीं, इसके खौफ में ना आए, इसको हवा ना बनाएं। दूसरी बात यह है कि इसको कलंक ना बनाएं। कोरोना होना कोई गलत बात नहीं है, बीमारी ही है, किसी को भी हो सकती है। इसलिए हिचके नहीं, बाहर आकर टेस्ट कराएं और बेवजह घर में रहकर आशंका के अंदर न जिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लगातार एहतियात के जो उपाय बता रहे हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। आपने देखा होगा अगल बगल बहुत सारे उदाहरण आ चुके कि जिन लोगों ने मास्किंग का लगातार प्रयोग किया है, अपना मास्क इस्तेमाल किया है, दूरी बना के रखी है, उस घर में अगर चार लोगों को कोरोना हो भी गया संक्रमण, तो भी पांचवें को जिसने सारे एहतियात बरते नहीं हुआ। ये हमारे लिए एक सबक है, ये बहस का मुद्दा नहीं है। बहुत सारे लोग इसको दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसने मास्क लगाया, उसने नहीं लगाया, इसने नहीं लगाया, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि हम इस बीमारी से बचें।